हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्या द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि मैं आपको डेली चैप्टर्स कराता हुआ चल रहा हूँ हिंदी के, जिसमें मैंने आप तक वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष सब करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको विरामचिन्ह कराए, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कहां कहां किसका प्रयोग होता है। उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स के आईबीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी जितने हैं वो सारे करा दिए। अब आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, देखो मैं एक क्रम से लेकर चल रहा हूं कि सबसे पहले हिंदी शुरुआत कहां से होती है, वर्ण से। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला स्वर और व्यंजन होते हैं वो कराए। फिर उसमें सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सबसे छोटी चीज क्या होती है, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह बता दिए। अब वर्णों के मेल से जो बनता है एक सार्थक शब्द, वर्णों के मेल से जो सार्थक बनता है उसे हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं बेटा? शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। क्या पढ़ेंगे आज हम? शब्द। अब शब्द क्या होता है, वर्णों के मेल को मिलाकर, वर्णों को मिलाकर जो सार्थक ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि है ना, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है आपकी, और लिखित जो इकाई सबसे छोटी वो वर्ण है। लेकिन वर्णों को जब मिला देंगे और उसका एक सार्थक शब्द बने, ऐसे नहीं कुछ भी, अगर मैं कुछ भी कर दूं, कक का का दो को जोड़े काका कक कक कुछ नहीं है, तो कप कक जो है कोई शब्द नहीं हुआ। शब्द कब हुआ? का और पा मिला दे कप, तो कप एक क्या हो गया, शब्द हो गया। जब दो अक्षरों को या दो से अधिक अक्षरों को, या आप देख सकते हो एक या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई सार्थक शब्द बनता है, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो, कोई ऐसी चीज बनती है, तो वो क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। अब शब्दों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, और ये भी आपसे पूछ लेगा कितने प्रकार से विभाजित किया, कैसे विभाजित किया गया है, तो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इनकी अगर हम बात कर लें तो शब्द को दो प्रकार से मान लो विभाजित किया है ना, एक सार्थक और एक निरर्थक। क्या बेटा? एक तो सार्थक और एक निरर्थक। अब अगर हम बात करें बेटा सार्थक शब्दों की, तो सार्थक शब्दों को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया। कैसे, कितने प्रकार से बेटा? तीन प्रकार से। बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनेंगे रचना के आधार पर सार्थक शब्दों को कितने प्रकार में विभाजित किया, किसके आधार पर बेटा? रचना के आधार पर। तो मैं काम करता हूं, एक थोड़ा सा इसी इधर करके लिखता हूं, थोड़ा सा हम लोग साइड में करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है बेटा, यहां लिखता हूं सार्थक। तो सबसे पहले रचना के आधार पर, क्योंकि इसको भी मुझे डिवाइड करना है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उत्पत्ति के आधार पर, और फिर तीसरा बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको, अर्थ के आधार पर। तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, रचना के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो उसका आंसर क्या बेटा? तीन। याद रखना, रचना के आधार पर शब्दों को कितने आधार पर विभाजित किया गया है, तीन प्रकार में। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। क्या शब्द है? यौगिक शब्द। और तीसरा है बेटा योग ऋण शब्द। तीसरा क्या है? योग ऋण शब्द। ये याद रखना आप लोग, क्या है? योग ऋण शब्द। उसके बाद बेटा यौगिक को भी डिवाइड किया गया है। यौगिक को कैसे डिवाइड किया है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? यौगिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यौगिक। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया। तो आंसर क्या होगा? तीन प्रकार में। कौन कौन से प्रकार है वो? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कौन सी चीज क्या होती है यह भी बताऊंगा। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार में विभाजित किया, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार में विभाजित किया है। तो याद रखना बेटा, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों को विभाजित किया गया है वो चार प्रकार में किया गया है। कितने प्रकार में? चार में। यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, एक ही चार्ट से सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इसी चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये चार्ट याद कर लिया, आज की क्लास आपने याद कर ली, 10, 15, 20, 30 या एक घंटे में ज्यादा क्यों हो गई, इन मिनटों में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, और इनसे कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। बस आज की क्लास अगर आपने देख ली बेटा, तो आप देखना इनसे कितने क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, UPSSC, लेखपाल, CTET, UPTET, यूपी पुलिस, SSC GD, जिसमें भी हिंदी आती है, आप हिंदी चुन रहे हो, उन सभी एग्जाम्स में आपको इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। क्या शब्द पढ़ने वाले थे, शब्दों को दो प्रकार में तोड़ा मैंने, एक सार्थक और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने तोड़ा निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक मतलब बेटा जिसका कोई अर्थ ना हो।
तो सार्थक और निरर्थक दो प्रकार में तोड़ा, फिर मैंने सार्थक सार्थक शब्दों को भी तीन प्रकार में तोड़ा, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तीन, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द। इनके क्या क्या मीनिंग है वो भी अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं बेटा, चार चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, फिर तद्भव शब्द, ये सब अभी आपको बताने वाला हूं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, बस आप समझते रहो ध्यान से ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तीसरे होते हैं बेटा विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। चौथे होते हैं संकर, चौथे कौन से होते हैं, संकर शब्द। ये संकर ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं शाम वाला मिलेगा, ठीक है, तो आप दोनों याद रखना, ऐसे संकर मिले वैसे संकर मिले फर्क नहीं पड़ता, संकर शब्द। एक बात ध्यान रखना, कहीं कहीं उत्पत्ति के आधार पर आपको पांच भी मिलेंगे, जैसे मैंने बोलियां आपको बताई थी कि बोलियां होती हैं 18, है ना, मैंने बताई थी 17, आपको भी 17 क्यों बताई, आप चाहे तो आदित्य प्रकाशन की बुक उठा लो, चाहे आप ये वाली बुक उठा लो, दोनों में से ये बुक उठा लो, ये बुक उठा लो या और कोई बुक उठा लो, आपको बुक्स में लिखी हुई क्या मिलेंगी बोलियां 17, लेकिन कहीं कहीं आपको 18 मिलेंगी। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पहाड़ी में एक और एक्स्ट्रा दे देता है, दो की जगह तीन कर देता है, और कहीं कहीं वो दो में दो को अलग अलग विभाजित कर देता है, तो 17-18 कभी एक साथ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। वही चीज यहां पे है कि यहां उत्पत्ति के आधार पे एक पांचवा शब्द और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। तो वैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछेगा तो चार ही आएंगे, मेन चार ही हैं, लेकिन एक और आ जाता है देशज, जो मैंने यहां नहीं लिखा है। देशज शब्द मतलब जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज शब्द करते हैं, जो हम अपने देश में बनाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो एक पांचवा मैं अलग से लिख रहा हूं, इसको स्टार बना के लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे कि ये अलग है, ठीक है। देशज शब्द भी एक होते हैं, और भी सब समझाऊंगा आपको कौन सी चीज क्या है ताकि आपको एक ही क्लास में बहुत कुछ समझ में आ जाए। इसके बाद आते हैं अर्थ के आधार पर। तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर भी, अर्थ के आधार पर भी चार प्रकार में बांटा है। अर्थ के आधार पर बेटा कितने प्रकार में बांटा है, चार प्रकार में बांटा है। कौन कौन से, सबसे पहले आएंगे बेटा एकार्थी शब्द। कौन से, एकार्थी शब्द। इसका क्या मतलब होता है अभी सब बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं पहले कितने प्रकार के होते हैं ताकि ये क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा हो जाएगा बेटा पर्यायवाची, पर्यायवाची, और चौथा हो जाएगा बेटा विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, कुछ भी लिख लो, शॉर्ट में बता देता हूं विलोम शब्द ताकि आपको समझ में आए। बस मुझे क्लास लंबी नहीं करनी है, आपको समझाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बेटा। बाकी तो प्रैक्टिस इस समय आपके इतना समय नहीं है कि आप पूरा पूरा लेक्चर पूरा डीपली आगे पूछो, इतना जितना आपके काम का उतना उतना याद रखो, बाकी चीजें आप प्रैक्टिस सेट से करते रहो, पढ़ते रहो, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इस समय हमारे पास 40-50 दिन है यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी का भी फरवरी में एग्जाम है, सीटेट का भी जनवरी में एग्जाम है, तो जितने भी एग्जाम है वो हर साल में जनवरी फरवरी में, तो हमारे पास एक महीना दिसंबर दिसंबर का, इसके बाद महीना नहीं है, तो हमें स्पीड में करना है कवर, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा डीपली ना पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा कि अगर क्वेश्चन आए तो बाहर ना जाए। ऐसा भी नहीं कि इतना हवा में पढ़ लिया ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ एक किताब जरूर लेना, किताब के बिना काम नहीं चलेगा, जो आपको किताब से क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करनी है ना बेटा, मैं यहां बताऊंगा उससे प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मुझे सेंड करो, पूछ लो, ये चीज हमें करनी है। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार हो गए। अब आते हैं निरर्थक शब्द क्या होते हैं और इनको कैसे विभाजित किया है। तो निरर्थक शब्द को आप कह सकते हो, निरर्थक शब्द को आप कह सकते हो विकार के आधार पर, किसके आधार पर, विकार। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, तो विकार के आधार पर इसकी जगह ये लिखा मिल सकता है, आपको क्या लिखा मिल सकता है कि बताइए विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा निरर्थक शब्दों को विकार के आधार पर तोड़ा गया दो प्रकार में, एक विकारी, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। इन्हीं से सब बनेगा, आप सब पढ़ते आ रहे हो बेटा, इन्हीं से सारे शब्द बनने वाले, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आपसे पूछेगा विकार के आधार पर कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार में विभाजित किया, दो प्रकार में, विकारी और विकारी, लेकिन कितने होते हैं तो याद रखिएगा 8 होते हैं। विकार के आधार पर कितने टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, पहले दो प्रकार में तोड़ा विकारी और विकारी, अब चार आएंगे विकारी में, विकारी भी चार प्रकार के होते हैं, विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, चार प्रकार के होते हैं। विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, जिसे आप क्या कहते हो इंग्लिश में, नाउन। फिर बेटा सर्वनाम, सब आप पढ़ते आ रहे हो, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, है ना, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीजों को ही कह रहे हैं। तो विकारी कौन से, जो विकार, जिसमें विकार हो, अविकारी जिसमें कोई विकार ना हो, जिसका अर्थ ना बदले। आप संज्ञा सर्वनाम का यूज करोगे तो आपके विकार बदलेंगे, मैं जाऊंगा, हम गए थे, तो शब्द बदल रहा है ना, हम गए थे, मैं जाऊंगा तो अर्थ बदल जाएगा, हम जाएंगे तो गे कर दिया, मैं जाऊंगा गा कर दिया, तो अर्थ बदलता है। संज्ञा सर्वनाम,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेषण और क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, जैसे कि मैंने बताया नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सब आपको पता है। और बाकी के चार जो आ जाएंगे इंग्लिश हिंदी मिक्स के चले तो अविकारी शब्द में आ जाएंगे चार, ये भी चार कौन से, तो बाकी के चार बच गए। पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ी होंगी ना इंग्लिश में बेटा, कभी भी इंग्लिश पढ़ो एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हो, कुछ बच्चे एसएससी कर रहे होंगे अलग अलग एसएससी जीडी में कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, तो चार अविकारी कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है बेटा क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब जो किसकी पहचान बताए, क्रिया विशेषण जो विशेषण की आपको विशेषता बताते हैं। मैं बताऊंगा सब अभी आपको, मैं सब क्लियर करने वाला हूं किस शब्द का क्या मतलब है। पहले हम चार्ट बनाकर तैयार करते हैं, एक एक चीज समझाता हुआ चलूंगा आपको, ठीक है बेटा। दूसरा होगा संबंध बोधक, संबंध बोधक जो संबंध बताते हैं, कंजंक्शन इंटरजेक्शन सब सुना होगा आपने, सब पढ़ा हुआ होगा आपने इंग्लिश में, नहीं पढ़ा बेटा तो कोई टेंशन नहीं है, है ना, लेकिन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें एक बार में आएंगी। मैं तो हमेशा करता था, मैंने नोट्स बनाए थे तो इंग्लिश मिक्स करके बनाए थे, ताकि इंग्लिश करके बनाए थे ताकि एक साल में एक बार में दो चीज सीखूंगी, हिंदी इंग्लिश सेम ही है लगभग, है ना, वर्ड तो उसमें भी है। आगे आते अगला है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और इसके बाद है बेटा विस्म्यादि बोधक, विस्म्यादि बोधक, ठीक है बेटा। ये हमारे कुल शब्द हो गए, अब आपको ये समझ में आ गया, पहले एक चार्ट बनकर तैयार हो गया आपका कि कौन सा कितना, तो मैं हट जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आप इससे डायरेक्टली आंसर बता पाओ। चलो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो। अगर हम इसकी बात करें तो पहले समझते हैं सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। अगर बात करें सार्थक शब्दों की तो तीन प्रकार में बांटा गया, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द। शुरुआत यहीं से करते, पहले समझते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द बेटा वो शब्द है जिनका संधि विच्छेद ना किया जा सके, जिनको तोड़कर कोई शब्द ना बनाया जा सके। जैसे आपको पता है संधि विच्छेद का रूल है कि हम दो अलग अलग हैं, दोनों का कोई अर्थ होना चाहिए। रूढ़ शब्द कभी टूटेंगे नहीं, जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया, कोई शब्द बोल दिया मैंने, सपोज करो मैंने बोल दिया कप, अब मैं कप को तोड़ूंगा, संधि विच्छेद करूंगा तो का और पा, क्या का का कोई मीनिंग होता है, बोले नहीं। क्या पा का कोई मीनिंग होता है, नहीं। मतलब कप हो गया, पक हो गया, चक हो गया, नक हो गया, ऐसे कोई भी शब्द जिनको तोड़कर कोई शब्द, रूढ़ शब्द मतलब जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, आप शॉर्टकट में समझो आपको याद कैसे रहेगा, जिनको तोड़ा ना जा सके वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर ट्रिक से याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रख लो जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द है, जिनको तोड़ा ना जा सके वो रूढ़ शब्द है। अब आते हैं यौगिक शब्द पे, यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्दों को मतलब जिनको तोड़ा जा सकता है, जिनको तोड़ा जा सकता है वो शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। मतलब जिसमें संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द, और जिसमें संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द। जैसे 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 अगर हम एग्जांपल लें तो मैंने बोल दिया परिश्रमी या परिश्रम, तो परि और श्रम दोनों का अर्थ है आपका अलग अलग, तो जिनको तोड़ के, या फिर विद्या और आले, आले मतलब घर, विद्या मतलब विद्या का घर, विद्या मतलब आपको बताइए बुद्धि, तो विद्या आले, विद्या और आले को मिला दे क्या हो गया, विद्यालय है ना, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो जिसको तोड़कर अलग अलग अर्थ हो वो क्या कहलाता है, यौगिक शब्द। की दो अर्थ थे, दो शब्दों के अर्थ थे, उन दोनों को मिला दिया तो वो शब्द क्या कहलाएगा, जब विद्या और आले को मिला दिया क्या कहलाओगे, विद्यालय बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द। मतलब जिनका संधि विच्छेद किया जा सके वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। जिन शब्दों को भी तोड़ के देखो, अगर आप तोड़ पा रहे हो दोनों का अर्थ निकल के आ रहा है, क्या शब्द हो जाएगा, यौगिक। और जिनको आप नहीं तोड़ पा रहे वो क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द। क्लियर हो गई बात। अब यौगिक शब्दों को दो पार्टों में तोड़ा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगकर, किसी भी शब्द के प्रारंभ में आकर जो शब्द एक नया अर्थ प्रकट कर दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला सहायक और फिर मैंने आ लगा दिया, मैंने बोला असहायक, आप समझ रहे मेरी बात। मैंने बोला गति और मैंने दुर लगा दिया, दुर्गति, तो गति मतलब थे दुर्गति, मतलब जैसे मैं दुर उपसर्ग लगाया तो पूरा अर्थ ही बदल गया। मैंने बोला आवश्यक, मैंने लगा दिया अति आवश्यक, है ना। अलग अलग तरीके के अलग अलग आप उपसर्गों का यूज करते हैं। तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द नए लगाकर, कोई शब्दों का प्रयोग करके अगर नया अर्थ प्रकट हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा, यौगिक शब्दों में प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में,
किसी शब्द के अंत में कुछ लगाकर अगर कुछ नया अर्थ प्रकट हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे मैंने आपको बताया अति आवश्यक मैंने बोल दिया है ना, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय मैंने क्या बता दिए, प्रत्यय बता दिए जो पीछे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला सब्जी और मैंने बोला वाला और मैंने दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया सब्जी वाला। तो पीछे जोड़ा मैंने तो एक पहले सब्जी एक अलग चीज है, वाला एक अलग चीज, जैसे दोनों को जोड़ा सब्जी वाला तो एक नया शब्द बन के आ गया, तो वो शब्द क्या कहलाएगा आपका, प्रत्यय कहलाएगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को इसमें, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं, सब्जी वाला यहां नहीं आएगा प्रत्यय में, मतलब वो एक योगरू शब्द कहलाएगा। योगरू क्या होता है वही बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि जब किसी शब्द के पीछे कोई शब्द लगा के उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, योगरू शब्द कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब योगिक शब्द आप समझ गए, उपसर्ग प्रत्यय किसमें आते हैं, योगिक में आते हैं। अब योगरूण क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया सब्जी वाला तो तुरंत योगरूण याद आ गया। योगरूण क्या होता है, जब आप दो शब्दों को जोड़ते हो प्रत्यय लगा के या उपसर्ग लगा के या कैसे भी, और उनसे कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आता है, मतलब उन शब्दों को जोड़ के कुछ अन्य अर्थ निकल के आ जाता है उन दोनों शब्दों के अलावा, तो वो कहलाता है योगरूण शब्द। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका। मैं यहां पे देखो लिख नहीं रहा, आप बस मुझे सुनो और अपनी कॉपी में नोट करो, क्योंकि लिखने में जाएगा समय और मेरी राइटिंग आपको वैसे दिख रही है इतनी अच्छी नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता है मैं दिखाता रहता, आप बस सुनते रहो मुझे आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो चीज हम पढ़ते हैं वो हमें कुछ दिन तक याद रहती है, जो चीज हम देखते हैं वो दिन हमें उससे थोड़ा और 5-10 दिन याद रहती है, लेकिन जो चीज हम सुनते और देखते दोनों है वो हमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। जैसे मूवी, गाने कुछ टाइम में भूल जाओगे, मूवी देखते हो पूरी स्टोरी याद रहती है ना, कोई चीज पढ़ते हो देखते हो तो वो इतना याद नहीं रहती, कुछ टाइम में भूल जाते हो। तो वही सीन है, तुम मुझे सुनो और जो दिखा रहा हूं उसको देखो। योगरूण शब्द, तो योगरूण शब्द क्या बोले मैंने कि जब आप दो शब्दों को जोड़ोगे उनसे कोई नया अर्थ प्रकट हो जाएगा तो वो कहलाएगा योगरूण शब्द। तो मैं इसको शॉर्ट में अगर लिख दूं तो अगर संधि विच्छेद ना हो, विच्छेद ना हो तो कहलाएंगे रूढ़ शब्द। अगर संधि विच्छेद हो जाए, अगर विच्छेद हो जाए, संधि विच्छेद हो जाए तो क्या कहलाएंगे, तो कहलाएंगे योगिक शब्द। और योगरू शब्द क्या है, योगरू शब्द को इंट के तौर पर लिख लो बहुव्रीही समास। अभी मैं आपको समास पढ़ाऊंगा जब, तो आपके समझ आएगा बहुव्रीही समास क्या होता है। यहां समझ लो कि जब नया अर्थ प्रकट हो जाए, जो शब्द मैं जोड़ रहा हूं उनसे कुछ अलग प्रकट हो जाए, नया अर्थ प्रकट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, योगरू शब्द। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका था बेटा, बोले गणेश जी का। मैंने आपसे बोला नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, तो क्या अर्थ निकल के आया, बोले शिव जी, तो शिव जी कौन हो गए, नीलकंठ हो गए, योगरू शब्द हो गया। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ गया होगा। तो बहुवरी समाज में भी होता है, जब कुछ नया अर्थ निकल के आया उसको बहुवरी समाज कहते हैं, वो भी समझाऊंगा आगे, तो समाज पढ़ाऊंगा तो वो भी कहां भी काम आएगा। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। हाथों ध्यान समझा रहा हूं सारे शब्द आपको, ताकि डेफिनेशन के आधार पर क्वेश्चन है तो आप समझ जाओ। तो जो संस्कृत से सीधे के सीधे ले लिए गए हैं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम, यानी कि संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही उठाए गए शब्द, संस्कृत से उठाए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसफर किए गए, उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन किया गया संस्कृत के शब्दों का ही, वो कहलाते हैं तद्भव। दोनों का एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बोला अग्नि तो अग्नि क्या हो गया, तत्सम शब्द, और मैंने बोल दिया आग तो आग क्या हो गया, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो हम अपनी डेली बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया भ्राता तो भ्राता कहते हैं बड़े भाई को, और मैंने बोल दिया भाई तुम हो गए तद्भव, तो भ्राता यानी कि तत्सम, भाई यानी कि तद्भव। दुग्ध, दुग्ध में आधा गा गया तत्सम, और दूध तो क्या हो गया, तद्भव। यानी कि जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ले लिए गए तत्सम, और जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया वो तद्भव। विदेशी क्या होते हैं बेटा, विदेशी जो दूसरी कंट्रियों से हमारे पास आए हैं, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम बेगम का यूज करते हैं, हम बेगम बोलते हैं, हम रेलगाड़ी बोलते हैं, हम रेल बोलते हैं, हम ऑपरेशन बोलते हैं, तो ज्यादातर विदेशी जो अलग अग्नि बहुत सारी भाषा से लिए गए हैं, जिसमें मेन है अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। अब मैं बोलता हूं चीनी, चाय, चाय किसका शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है ना, बंदूक, पिस्तौल, गमला, ये शब्द कौन कौन से अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। तो अंग्रेजी में शॉर्ट में लिख दिया, विदेशी भी आप समझ जाओगे, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। अब आते हैं बेटा संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं, है ना, तो संकर शब्द समझते हैं। संकर शब्दों की अगर हम बात करें बेटा, तो संकर शब्द क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना। संकर शब्द का मतलब है कि जब दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर, जब दो अलग अलग भाषाओं को मिलाया जाता है तो जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं संकर शब्द। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया रेलगाड़ी,
मैंने क्या बोल दिया, रेलगाड़ी। तो आपको पता रेल किसका शब्द है, अंग्रेजी का, और गाड़ी किसका शब्द है, हिंदी का। तो मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों को एक साथ जोड़ दिया और क्या बोल दिया, रेलगाड़ी। तो संकर शब्द क्या हो गए, जब आप दो भाषाओं को जोड़ देते हैं, जब आप दो भाषाओं को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। अब आ गया देशज। देशज मतलब देज से उपजा हुआ, या तद्भव कैसे याद रखोगे, तद्भव मतलब उद्भव, तद्भव मतलब उद्भव से याद रखो, उद्भव जिसका उद्भव हुआ हो, और किससे उभव हुआ हो, संस्कृत से, ठीक है। तत्सम मतलब समान, किसके समान, तत्के मतलब संस्कृत के समान। तो ऐसे के ऐसे कॉपी कर लीजिए, वो तत्सम हो गया, संस्कृत से आ गए। तद्भव जिसका संस्कृत से उद्भव हुआ मतलब हिंदी हो गया। विदेशी नाम से ये दूसरी देश से लिए गए हैं। संकर शब्द जब दो भाषाओं को मिला दिया, संकर शब्द हो गया। देशज जो देश से उपजे हैं, देश से उपजे हुए, जैसे हम यूज करते हैं खाट है, तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा, खटिया है ना, लाते बजा दूंगा, लात, खाट, लात, लोटा है ना, लोटा जो आप अपनी डेली चाल में डेली, अब आपने सुना होगा लौंडा, अलग अलग कहीं कहीं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, गुड़िया हम जो बोलते हैं, कहीं गुड़िया कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है, ऐसे शब्द जो हम डेली लाइफ में बोलचाल में यूज करते हैं, जो हमारे देश में उपजे हैं, वो क्या कहलाते हैं, देश शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं बेटा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये नोट करो, उसके बाद में ये बताता हूं आपको। चलो ले लिया होगा आपने बेटा। अगली बात करें हम अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर चार प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। एकार्थी क्या होता है, जब आपके ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकल के आता हो, मतलब शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ उनका एक ही हो, तो वो क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द, ठीक। अनेकार्थी शब्द जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल के आते हैं, जैसे मैंने कल आपको कराया भी था वर्ण, तो वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल के आए, वो क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जब एक ही शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता हो, है ना, जैसे सूरज, सूरज, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, तो अलग अलग नामों से, अब जैसे आपका जलज, पंकज, आपने सब सुना होगा ना। पर्यायवाची शब्द जो हम पढ़ते हैं, घोड़ा, घोड़े को क्या क्या बोलते हैं, अश्व भी बोलते हैं। तो जब एक ही शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत, रात, दिन, सुबह, शाम, समझ रहे हैं आप मेरी बात। विलोम शब्द क्या हो गया, उल्टा, जब एक शब्द को सहाय, असहाय, रक्षक, रक्षक, भक्षक, कुछ भी इस तरीके से, तो वो सब क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द, जिसका विपरीत अर्थ निकल के आए वो विलोम शब्द होते हैं। अब आते हैं बेटा विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कितने प्रकार बताए मैंने, चार प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप सभी लोग ये पढ़ के आए हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, तो ये क्या होते हैं वो समझ लेते हैं आप लोग। अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, आपको पता है नाम, सिंपल सा, देखो नाम, आप किसी भी चीज का नाम यूज कर लो, वो क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो। संज्ञा मतलब नाम है आपका, नाउन मतलब नेम, किसी व्यक्ति, पर्सन, आपने पढ़ा होगा ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, सबने डेफिनेशन याद करी थी बचपन में, सब लोग के हाईस्कूल इंटर में आता, नाउन इज अ पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या हो गया, जैसे मैं, तुम, सॉरी मैं तुम कह रहा हूं, हिमांशु मेरा नाम है, हिमांशु, मैंने बोला मुरादाबाद, हिमांशु मुरादाबाद, किसी भी जगह का नाम, वो सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला हिमांशु सर अच्छा पढ़ाते हैं, अब मैंने बोला वो वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हिमांशु की जगह मैंने वो यूज कर दिया है। मैंने बोल रहा हूं मैं, तुम, अपने नाम की जगह में मैं, तुम, आप, ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज कर जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, विशेषण का मतलब है विशेषता, विशेष से याद रखो, विशेषण विशेष, विशेषता, जो शब्द आपकी विशेषता बताते हैं किसी चीज की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला हिमांशु सर अच्छा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्रिया, क्रिया क्या हो गया, तो इसी को लेते हैं, हिमांशु सर अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कर क्या रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया। क्रिया मतलब होता है जो आप कहीं काम कर रहे होते हैं, वो साइकिल चला रही है तो क्या कर रही है, चला रही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। क्रिया, तो क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। फिर आ गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या, क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या बेटा, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला
वह आदमी पतला बोलूंगा तो पतला हो जाएगा विशेषण, लेकिन मैंने बोला बहुत पतला है तो पतले की भी मैंने क्या बता दी बहुत, तो वो क्या हो गया क्रिया विशेषण। जैसे मैंने बोला चीता सबसे तेज दौड़ता है तो तेज क्या हो गया, बोले सर क्रिया। लेकिन अगर मैंने बोला चीता बहुत तेज दौड़ता है या सबसे तेज दौड़ता है तो सबसे बहुत क्या हो गया क्रिया विशेषण। अब आते हैं बेटा संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का जो अर्थ है, जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ देते हैं, वो क्या होते हैं संबंध। जैसे मैंने बोला पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है, पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है, तो यहां संबंध कौन बता रहा है, पर्वत के पीछे के बता रहा है, क्या बता रहा है के, इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं ना, के पर्वत के पीछे क्या छुप रहा है, सूर्य छिप रहा है। तो मैंने संबंध जो बताया किससे बताया के से, तो मैंने संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध जोड़ा वो के द्वारा जोड़ा, तो जो के है वो क्या है, वो आपका संबंध बोधक है। बाकी इन सबको मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा बाद में, आप टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप आज की क्लास भी देख लो एटलीस्ट, तो आप क्वेश्चन के आंसर लगा पाओ, ठीक है। बाकी जब मैं अलग अलग, अभी ऐसा सोच जो रूल सब मैं कराऊंगा नहीं आपको, या मैं आपसे जो तत्सम सब कराऊंगा नहीं, अलग अलग से कराए जाएंगे तो इनका भी यूज होगा। अब आते हैं समुच्चय बोधक क्या होता है बेटा। समुच्चय बोधक वो होता है कि जब दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब जब दो शब्दों को आप जोड़ोगे या दो वाक्यों को जोड़ोगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इंग्लिश में एंड होता है और होता है, अगर हिंदी की बात करें तो आप और, परंतु, किंतु, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, राम ने खाना खाया और सो गया, तो राम ने खाना खाया सो गया, इन दोनों को जोड़ा किसने, और ने, तो और क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। तो जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं बेटा, मैं लिखूंगा तो बहुत समय जाएगा, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको हल्की स्पीड में देख लेना चाहे और आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। मैं जितनी क्लास आज बता रहा हूं आपने जो जो मैंने बोला, अगर आपने अपनी कॉपी में नोट्स बना लिए तो आप यकीन मानो इस चैप्टर से जितना आज की क्लास ली है इससे आपको पक्का एक ना क्वेश्चन मिलना है, आप किसी भी एग्जाम को ले लो। आखिरी क्या बचा, विस्मयादी बोधक। आखिरी क्या बचा बेटा, विस्मयादी बोधक। विस्मयादी बोधक क्या होता है सबको पता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल। कल मैंने आपको विराम चिन्ह बनाए थे, तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल क्या होता है आपको वो समझना है। एक्सक्लेमेटरी सिंबल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था विस्मयादी बोधक, जिसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओ, अचंभित हो जाओ। जैसे मैंने बोला वाह क्या बात है, वाह क्या बात है ना, या हाय ये कितनी बुरी बात है, है? तो ये शब्द क्या हो, शबाश, वेरी गुड बेटा, ऐसे लाइक करते रहो वीडियो को, लाइक नहीं करते जल्दी से लाइक कर दो, है ना। तो मैं बोल रहा हूं जितने भी शब्द ऐसे हैं जब मैं शबाशी दे रहा हूं, हुर्रे मजा आ गया, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, विस्मयादी बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, आज मैंने आपको ये बताया शब्द क्या होते हैं। देखो एक एक चीज लेके चल रहा हूं, शब्द के बाद शब्दों के मिलकर क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य है, अर्थ के आधार पर बोल देगा, तो वाक्य को शब्द की सबसे बड़ी इकाई बोलते हैं भाषा की, है ना। सब में छोटा वर्ण, वर्ण से बड़ा शब्द, वर्णों से मिलकर क्या बना शब्द, और कई शब्दों से मिलकर क्या बन जाएगा, वाक्य। जैसे मैंने बोला क ल म, तो तीन चीज जोड़ी, क ल म, तीन वर्ण जोड़े क्या बन गया, कलम। कलम क्या हो गया, शब्द हो गया। अब मैंने बोला कलम से लिखा जाता है, तो कलम से लिखा जाता है, जब शब्दों को जोड़ दिया इतने सारे वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य पढ़ाऊंगा, वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, है ना, साधारण वाक्य, तो ये वाक्य पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हमने पढ़े शब्द और इन शब्दों से कितने प्रकार के होते, फिर से एक बार दरअसल ये रिपीट, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। शब्द दो प्रकार, सार्थक निरर्थक, सार्थक को तोड़ा तीन प्रकार में, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं डायरेक्टली पूछेगा, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगगुण शब्द, सिर्फ इतना याद रखो। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। निरर्थक शब्द को विकार के आधार पर तोड़ा था, विकार के आधार पर आठ होते हैं टोटल, कितने प्रकार में दो तोड़ा गया, दो प्रकार में, विकारी, अविकारी। विकारी कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी कितने होते हैं, चार होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विश्वादी बोधक, क्लियर। टोटल आठ प्रकार के होते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताए हैं, इनके क्वेश्चंस हम जब प्रीवियस क्वेश्चंस में ढूंढ के रखूंगा, अगर आपको मिलेंगे तो वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम पे समय थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास पेपर आने वाला है, तो जितना करा रहा हूं वो इनफ है, आप बस उसको करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाते रहो, इसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे चैप्टर करना है, संधि करना है, समास करना है, छंद, अलंकार, बहुत सारी चीजें ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बेटा। तो अभी अगर इन चीजों पर ध्यान देंगे तो ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम ज्यादा डीप नहीं, अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। बाकी अगर आप हिंदी को कभी अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको भी कैसे तोड़ते सब समझाऊंगा। लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे विदेशी शब्द हैं, तो पूछ लेगा बेगम किस भाषा का शब्द है,
गमला किस भाषा का शब्द है। तो इन शब्दों को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक शॉर्ट बना के वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आज मैंने शब्द बता दिए, इनके अर्थ बता दिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि याद करने वाली चीज है। तो याद करने वाली चीजें अलग से बना के डाल दूंगा वीडियोस, वो आप याद कर लेना, वीडियो देख लेना, आपका काम चल जाएगा। समझाने वाली जो थी कितने बेकार होते हैं कैसे, तो वो मैंने समझा दी। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। रोज 3 बजे आपको हिंदी की वीडियो मिलती है, और साथ ही साथ रात में 8 बजे बेटा आप लोगों को लाइव रीजनिंग की प्रैक्टिस कराता हूं, चैप्टर वाइज लेके चलता हूं यूपी पुलिस का कोर्स पूरा, तो आप लोग वो भी देखिए जिससे आपको रीजनिंग का कवर हो जाए, क्योंकि चैप्टर वाइज करा रहा हूं तो आपके समझ में अच्छे से आएगा, और फिर मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके समझ में और अच्छे से आएगा। दोनों चीजें कराता हूं, पहले आपको चैप्टर समझाता हूं और फिर उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जितने भी यूपी पुलिस में आए हैं चैप्टर वाइज। तो आपको पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया, आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस मेरी वीडियो देखने की जरूरत है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। कोई प्रैक्टिस करने को नहीं, 10 जगह मत भागो, एक जगह रहो, एक जगह ऐसे रहो, पूरी जीजान लगा दो एक जगह, मुझ पर विश्वास कर लो, हिंदी रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी रीजनिंग की, और हिंदी की प्रैक्टिस आप घर पर करते रहो, कुछ नहीं करना आपको। जीएस पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ने की चीज है बेटा, है ना। और जो बच्चे कोचिंग आ सकते हैं उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो आपसे मिलेंगे कल रात 8 बजे और दोपहर में 3 बजे आपकी हिंदी की वीडियो के साथ, रात में 8 बजे लाइव। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी देख के वर्दी का अपना सपना पूरा कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माँ बाप का नाम आप जरूर रोशन करोगे, और मेरा नाम भी रोशन करोगे, मुझे भी आप लोग जब वर्दी पहन के आओगे सबको बताओगे हिमांशु सर से पढ़े थे, आज वर्दी मिली है तो सर की वजह से मिली है, तो जो सीना मेरा ऐसे गर्व से चौड़ा हो जाएगा ना बेटा, जिम जाके चौड़ा नहीं करना मुझे, मुझे आपको जॉब लगवा के चौड़ा करना है अपना सीना। तो जब मुझे खुशी मिलेगी कि आप लोग की जॉब लग गई, तो बस थोड़ी सी मेहनत करो बेटा, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप भी मेहनत करो, जल्दी ही वर्दी के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।